गर्मियाँ आ चुकी हैं और बहुत ही अच्छी कैरियाँ आ रही हैं आजकल। तो आज मैंने सोचा कि आपको कैरी की चटनी बनाना सिखाती हूँ, जो मीठी चटनी होती है। तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलें नोट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलें जी, हमने लिए है 800 ग्राम्स कैरियाँ और हमने इनको ऐसा लंबा लंबा छील के और लंबा लंबा काट लिया है। हमने लिया है गुड़, ये मैं गुड़ के अंदर बनाऊंगी। मैंने 500 ग्राम्स गुड़ लिया है, उसको मैंने कूट लिया है। और इसमें डलेगा, मैंने 1 टीस्पून लिया है चाट मसाला, 1 टीस्पून लिए कलौंजी, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून से थोड़ा कम मैंने नमक लिया है। तो चलें जी, सबसे पहले हम पैन के अंदर अपनी जो ये कैरियाँ हैं इनको डालते हैं ताकि हल्की सी बॉईल हो जाए। इसमें हम पानी नहीं शामिल करेंगे, खाली हम इनको इसमें डाल के हल्की आंच पर रखेंगे ताकि ये जो हैं अच्छी तरह गल जाए, फिर हम इसमें बाकी का प्रोसेस करेंगे। ये देखिए, मैं अपनी सारी कैरियाँ जो है मैंने इनको काट के रखा था, इनको मैंने पैन के अंदर डाल दिया है। अब मैं इसमें पानी नहीं शामिल करूंगी, इसलिए कि ये कैरियाँ जो हैं ये अपना पानी खुद ही छोड़ेंगी। मैं इनको स्लो आंच पे और इनको रख देती हूँ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने इनको डाल दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है और ये ढक के रख दिया है ताकि ये अच्छी तरह गल जाए और इनका पानी निकल आए। जब इनका पानी निकलना शुरू हो जाएगा, थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी, तो हम इसमें गुड़ शामिल करेंगे। तो जब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जी देखें, हमारी कैरियाँ जो हैं वो बहुत अच्छी तरह उबल चुकी हैं। हमने फ्लेम कर दिया है ऑफ़। अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे किसी तसले में और हम गुड़ का बनाएंगे शीरा, और शीरा जो है शीरे के बाद हम इसको इसमें शिफ्ट कर देंगे। तो चलें इसको हम इसमें शिफ्ट कर देते हैं और पैन के अंदर हम डालते हैं हाफ कप से भी कम जो है हम इसमें पानी डालेंगे। और साथ में हम ये जो 250 ग्राम गुड़ है हम ये इसमें शामिल कर देंगे ताकि ये गुड़ सारा इसमें मेल्ट हो जाए। जब ये गुड़ जो है अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगा, फिर हम अपनी कैरियाँ इसमें शामिल कर देंगे। तो ये जो मुरब्बा कह लें आप इसको, कैरी का चटनी कह लें, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही अच्छी होती है। तो चलें इसको गुड़ को थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं। चलें जी, देखते हैं हमारा गुड़ जो है वो मेल्ट होना शुरू हुआ। ये देखें, गुड़ हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया है। ये बिल्कुल एक तार का जो शीरा बनता है ना, वैसा शीरा बन जाएगा। और हम साथ में जितने हमने इसमें मसाले डाले थे वो भी हम इसमें शामिल कर देते हैं, सौंफ, कलौंजी, चाट मसाला, रेड चिली पाउडर और नमक, ये सब चीज़ें इसमें हम शामिल कर देते हैं। और फिर जब ये बिल्कुल शीरा बन जाएगा इसका, ये अच्छी तरह एक तार का हो जाएगा, फिर हमें अपनी कैरियाँ जो हैं जो हमने हल्का सा इनको भाप लगा लिया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए, ये बहुत ही मज़ेदार, आप इसको पराठे के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए या डबल रोटी पे लगा के खाइए, ये बहुत मज़ेदार कैरी का मुरब्बा बनता है। बहुत अच्छा, बहुत ही टेस्टी। आप इसको बना के किसी जार के अंदर रख दें तो काफ़ी महीने तक ये चल जाता है। आप इसको, मैं तो गुड़ में बना रही हूँ, आप इसको चीनी में भी बना सकते हैं, मिश्री में भी बना सकते हैं, लेकिन प्रोसेस इसका यही होगा कि चीनी की भी हम इसी तरह चाशनी बनाएंगे और फिर कैरियाँ इसमें शामिल करेंगे। ये देखिए कितने सारे झाग बन गए, हमारा गुड़ जो है वो बहुत अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है। ये अब हम इसमें अपनी जो कैरियाँ हमने हल्का सा भाप दे के रखी थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए, और इस चाशनी को हम
अच्छी तरह, जब तक ये एक तार की ना रह जाए हम इसको पकने देंगे। थोड़ा सा मैंने फ्लेम तेज़ कर लिया है और ये देखिए ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चटनी बनके तैयार होगी। आप इसमें चाहें तो 1 पिंच फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं, मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी शामिल करती हूँ। ये देखिए ये मैंने सिर्फ पिंच ऑफ फूड कलर इसमें शामिल कर दिया है। ये देखिए इससे जो है ना ये हमारा मुरब्बा ये बहुत ही अच्छे से कलर का हो जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो नहीं डालें। ये देखिए ये थोड़ा सा और गुड़ हमारा पक जाए तो फिर हम इसको ठंडा होने पर इसी जार में करके रख देंगे। ये देखिए हमारा जो गुड़ है वो भी काफ़ी गाढ़ा हो चुका है कैरियों के साथ। ये अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ़। ये कैरियाँ हमारी बहुत अच्छी तरह गल चुकी हैं और आप ये ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और फिर आप मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये चटनी ये मुरब्बा कैसा लगा। और इसको हम लौंजी भी बोलते हैं, गुड़ की लौंजी। तो ज़रूर आप लोग इसको बनाइएगा, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़। ये देखिए हमारा मुरब्बा जो है अब काफ़ी ठंडा हो चुका है। हम इसको अब इस शीशे का जो ये कंटेनर है इसमें हम इसको डाल के रख देंगे। ये देखिए ये काफ़ी दिन तक हमारा मुरब्बा जो है काफ़ी दिन तक चलेगा और ये बहुत ही मज़ेदार है।